subscribe channel to see latest videos. Click on bell icon get latest updates. भारतीय मीडिया ने तो अब हद ही करके रख दी है। पाकिस्तान का डर इतना है कि पाकिस्तानी झंडे को भी जासूस करार दे दिया है। पहले तो भारतीय मीडिया बेचारे मासूम कबूतर को पाकिस्तानी जासूस साबित करने में लग गया था, जिसकी कबूतर को सजा भी भुगतनी पड़ी। अब के ये इल्जाम आया है पाकिस्तानी झंडे पर। माजरा ये है कि 14 अगस्त के रोज पाकिस्तानी हदूद में यौम आजादी की 70वीं सालगिरह पर 400 फीट ऊँचाई पर 120 फीट चौड़ा पाकिस्तानी परचम लगाने की तैयारियाँ की जा रही है। ये दुनिया का बुलंद तरीन परचम होगा जो वाघा बॉर्डर पर लहराया जाएगा। इससे पहले ऐसी एक कोशिश भारत की जानिब से भी की गई थी, लेकिन नाकस कपड़े की वजह से भारतीय परचम लहराते ही फट गया था और इस वाकये के बाद भारतीयों को दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। अब पाकिस्तान ने दुनिया का बुलंद तरीन परचम वाघा बॉर्डर पर लहराने की पूरी तैयारी कर ली है और इसके लिए जो पोल नस्ब किया है, भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा करते और बावेला मचाते हुए कहा है कि इससे पाकिस्तानी फौज सरहदी शहर अमृतसर पर नजर रखेगी और झंडे और पोल में कैमरे नस्ब होंगे। भारतीयों ने अपनी नाकामी तो कभी कबूल की नहीं, बल्कि मुजायका खेज प्रोपेगेंडा करके अपना मजाक खुद ही उड़ाया है और इस दफा भी भारतीय मीडिया अपनी पुरानी रिवायत पर मजबूती से कायम है।